नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। कहानी उत्तर प्रदेश की में आज बात करेंगे पूर्वांचल के उस बाहुबली की जिसने जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस को चुनौती दी और चुनाव जीत लिया। आज भले ही राजनीतिक दल खुद को माफियाओं से दूर रखने का दावा कर रही हों, लेकिन एक वक्त था जब यह दल की जरूरत हुआ करते थे। उन्हें पूर्वांचल के ब्राह्मणों का सिरमौर माना जाता है और हाल ही में उनके बेटे समेत पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। यह बात हो रही है हरिशंकर तिवारी की। कहते हैं कि देश की राजनीति का अपराधीकरण उन्हीं से शुरू हुआ था। एक वक्त उन्हें यूपी का डॉन कहा जाता था, फिर बाहुबली राजनेता और फिर वह यूपी की सियासत के पंडित जी कहलाने लगे थे। वह 1985 का दौर था जब इंदिरा गांधी के निधन के बाद पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही थी। उस वक्त हरिशंकर तिवारी यूपी के जेल में बंद थे। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी। जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार को पटकनी देकर सनसनी मचा दी थी और वह भी बड़े अंतर से। उनकी ताकत को भांपते हुए कांग्रेस ने भी अगले साल चुनाव में उन्हें टिकट दे दिया और 2007 तक गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से उनकी जीत का सिलसिला चलता रहा। इस बीच वह अलग अलग दलों की जरूरत बनते गए। 1998 में कल्याण सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया तो बीजेपी के ही अगले मुख्यमंत्री बने राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह सरकार में भी वह मंत्री हुए। इसके बाद मायावती सरकार में मंत्री बने और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। पूर्वांचल की राजनीति में गहरी समझ रखने वाले लोग कहते हैं 1998 के बाद हरिशंकर तिवारी हर दल की जरूरत बन गए थे। यहां तक कि जब जगदम्बिका पाल सूबे के एक दिन के सीएम बने तो उनकी कैबिनेट में भी वह मंत्री थे। हरिशंकर तिवारी का जिक्र हो तो वीरेंद्र प्रताप शाही का नाम जरूर आता है। जब पूर्वांचल की सियासी दुनिया में बाहुबलियों का प्रवेश हुआ तो इसके सूत्रधार हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही ही थे। दोनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जमकर अदावत भी थी। 1980 का दशक ऐसा था जब शाही और तिवारी के बीच गैंगवॉर की गूंज देश विदेश तक सुनाई देती थी। 1980 के दशक में छात्र राजनीति का वर्चस्व बढ़ा और गोरखपुर में ब्राह्मण और ठाकुर की लॉबी शुरू हुई। वीरेंद्र शाही को मठ का समर्थन मिला तो हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के नेता बनकर उभरे। यहीं से दोनों में गैंगवार शुरू होती है। उस वक्त खौफ इस कदर था कि गैंगवार से पहले ऐलान हो जाता था कि आज घर से कोई निकले ना, और स्थानीय लोग घरों में दुबक के रहते थे। बाहर फायरिंग की आवाजें आती थी और कई लोग मारे जाते थे। उस वक्त वीर बहादुर सिंह यूपी के सीएम हुआ करते थे। कहते हैं तिवारी और शाही दोनों पर नकले कसने के लिए ही पहली बार यूपी में गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया था। इसके बाद 1985 में हरिशंकर तिवारी ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। एक इंटरव्यू में हरिशंकर तिवारी ने खुद यह बात कही थी कि वह राजनीति में इसलिए आए क्योंकि तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह ने उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था। 1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ गोरखपुर में 26 मामले दर्ज हुए थे। इनमें हत्या करवाना, हत्या की साजिश, अपहरण, छिनौती, रंगदारी वसूली, सरकारी काम में बाधा डालने जैसी कई आरोप थे। हालांकि किसी भी केस में वह दोषी साबित नहीं हो पाए। 2007 में पूर्व पत्रकार राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को चुनाव में हरा दिया। इस चुनाव में पहली बार उनकी जीत का रिकॉर्ड टूटा। राजेश त्रिपाठी बीएसपी के उम्मीदवार थे। इसके बाद 2012 में उन्हें दोबारा हार का मुंह देखना पड़ा और शिकस्त खाए। दो बार हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे विनय शंकर तिवारी को दे दी। आज के पॉलिटिकल किस्से में इतना ही। खबर स्टेशन के लिए रोशन की रिपोर्ट।